आदाब नजर प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद प्रोग्राम की शुरुआत बात सबसे पहले शुमाली कश्मीर की जहां पर बांडीपुरा जिले की मगनीपुरा इलाके में आज शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि महलूक का बेटा भी शदीद तौर जख्मी हुआ है तफसिलत के मुताबिक बाप बेटा मोटरसाइकिल पर सवार थे और मगनीपुरा से घर वापस जा रहे थे जब उनके साथ ये हादसा पेश आया इस हादसे में जब बहक हुए शख्स की शनाख्त मोहम्मद मजान कुमार के बतौर हुई है जबकि जख्मी बेटे का इलाज जिला अस्पताल नगर में आज उस वक्त सफे मातम बिछ गई जब दो कम से लड़कियों के घर के आब होने से मौत वाकई हुई मकामी लोगों के मुताबिक दोनों लड़कियां करीबी इलाके में वाकई नाले पर सैरो तफरी के लिए गई थी जिस दौरान उनके साथ यह हादसा पेश आया अगरचे इस वाक्य के फौरन बाद दोनों लड़कियों को पामपुर के सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया हम यहां डॉक्टरों ने दोनों लड़कियों को मुर्दा करार दे दिया घर के आप होने वाली दोनों लड़कियों की शनाख्त सोलह बरस की रौनक और चौदह बरस की रुतबा के बतौर हुई है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दोनों लड़कियों की तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद इनकी लाशों को लवाहकिन के हवाले कर दिया गया जम्मू कश्मीर में आज उस वक्त कोरोना वायरस से होने वाली अमवाद की तादाद तेईस तक जा पहुंची जब जम्मू और कश्मीर दोनों जगह एक एक मरीज की मौत हुई जम्मू से ताल्लुक रखने वाले एक वकील और जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम की एक खातून आज जिनकी मौत हुई है जिसके बाद इनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं इस तरह मरकज के जेर इंजाम इलाके में अब तक इस वायरस से मरने वालों की कुल तादाद तेईस हो गई है इन हालातों के बाद लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एसकॉम सिदरा जम्मू के इंतजाम के मुताबिक नगर जम्मू से ताल्लुक रखने वाले पचास साल वकील का अस्पताल में मौत के बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत आया जिसके साथ ही जम्मू सूबे में वायरस से मरने वालों की तादाद तीन हो गई इधर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के बोगाम से ताल्लुक रखने वाली एक पैंसठ साल खातून की भी मौत हुई थी जिसका आज कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर इंतजाम के मुताबिक बोगाम कुलगाम से ताल्लुक रखने वाली एक खातून की श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल श्रीनगर में 22 मई को दाखिल कराया गया था जहां इसकी अगले रोज मौत वाकई हुई खातून के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने भेजे गए थे और इसकी लाश को जीएमसी के लाश घर में रखा गया था जहां आज खातून की रिपोर्ट मुस्बत पाई गई वहीं जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो कुल सैंतालीस मामले सामने आए हैं जिसके बाद मरकज के जेर इंजाम इलाके में इस मोहलिक वमा में मुबतला अफरा की तादाद सोलह सौ हो गई है और अब से थोड़ी देर पहले खबर यह भी आ रही है कि जिला रामबन से मजीदेश मामले सामने आए हैं जम्मू सूबे से आज इन उन्तीस मामलों को छोड़कर चौदह जबकि वादी से तैंतीस मस्बत मामलों की तस्दीक हुई है आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू सूबे से अब तक दो सौ चौरानवे और अगर उनतीस मामले और भी इसमें ऐड कर लिए जाएँ तो तीन सौ तेईस तक आंकड़ा जा पहुंचता है और कश्मीर वादी से तेरह सौ चौहत्तर ये तादाद जा पहुंची है मुल्क भर के तमाम रियासतों और मरकज़ के इलाकों के अंदर अब तक एक लाख इकतालीस हज़ार पचास के करीब लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि चार हज़ार पचास लोगों की मौत के साथ दुनिया भर में अब तक तीन लाख सैंतालीस हजार के पार मरने वालों की तादाद पहुंच चुकी है और पचपन लाख तीस हजार से ज्यादा लोग इस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ मंदर कोरोना वायरस की जद में आए हैं जिससे बेषतर ममालिक लॉकडाउन से गुजर रहे हैं कोरोना वायरस से वादी कश्मीर में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है कई ऐसे मरीज हैं जिनको दुनिया से जाते वक्त भी शायद उनके करीब या उनके करीबी लोग उनके रिश्तेदार शायद इनके नजदीक नहीं पहुंचे जहां उनकी आखिरी रसुमत अदा की जा सकती थी अब जिस मरीज की जान जाती है कोरोना से मौत होती है कैसे इस मरीज की आखिरी रसुमांत अदा की जाती हैं आइए ये, ये बातचीत देखते हैं इधर गिर लॉकडाउन के पैंसठवें रोज वादी कश्मीर में बंदिशों में एक बार फिर कुछ हद तक कुछ इलाकों के अंदर नरमी जरूर देखी गई तहम कई मकामा पर आज भी सड़कों पर खारदार तारें बिछाई गई और लोगों की नकलोमल को कम करने की कोशिश जारी रही जिस दौरान तो वादी के शुमाल जनूब में मामूलती जिंदगी मफलूज होकर रह गए इंतजाम की जानब से लॉकडाउन को कामयाब बनाने की कोशिशों के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से ही शहर खास से लेकर दीगर अजला तक निजी गाड़ियों की भी अच्छी खासी तादाद नजर आई और वादी भर में मजमुई तौर पर कारोबारी मराकज़ बंद तो हैं हर तरह की सरगर्मियाँ ठप हैं लेकिन इस बीच कोरोना के मुतासरन की या मरीजों की बढ़ती तादाद और मरने वालों की बढ़ती तादाद भी आवाम के लिबाइसी अजाब बन गई है जहाँ लोग खौफ के में जी रहे हैं इधर आवाम ने हुकूमत से और जम्मू कश्मीर से अपील की कि मौजूदा हालात के पेश नजर गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले और छोटे कारोबारियों का भी इन हालात में ख्याल रखा जाए ताकि वो फाका कशी का शिकार ना हो जम्मू शहर में 50 साल वकील की मौत के बाद त्रिकुटा नगर इलाके को इंतजामिया ने रेड जोन करार दे दिया है जहां अब सभी लोगों की सैंपलिंग का अमल भी तेज किया जाएगा और वकील की मौत के बाद यहाँ अवाम में तश्वीश की लहर पाई जा रही है अब इस इलाके के सभी दाखिले और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है इस इलाके में किसी को ना अंदर जाने की और ना बाहर आने की इजाज़त होगी बसूरत कि एमरजेंसी उन्हें ना इस संगीन सूरत हाल में जहां कई लोगों की जान जा रही है डॉक्टर्स सबसे आगे हैं जहां वो कोरोना के मरीजों के साथ रबते में आते हैं और दूसरों की ज़िंदगी बचाते बचाते खुद डॉक्टर्स को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है जहां अब तक कई डॉक्टरों की जान चली गई है अब सोशल मीडिया पर कुछ खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि होम्योपैथी मेडिसन्स कोरोना की बीमारी के लिए कारगर साबित हो रही हैं या फिर इस वायरस की जंजीर को तोड़ने में अहम साबित हो सकती हैं होम्योपैथी इस मौलिक मर्ज़ पर काबू पाने में मदद कैसे कर सकती है और अगर इस काबिल है या ऐसा मुमकिन है तो ये कैसे चीजें निकलकर सामने आएगी इस पर हमारे मुंबई के नुमाइंदे अशोक पांडे ने बात की होम्योपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलन भट्ट से लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान ने आज कोविड 19 और खसूसी तौर पर मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए स्किम्स और अस्पताल श्रीनगर में अपनी नवीयत के एक ब्लॉक का अफ्त किया इस मौके पर मुशीर ने डायरेक्टर स्कम ए जी आहंगर के हमरा मुख्तलिफ वार्डों और ब्लॉक्स का भी मुआया किया और सहूलियत के साथ साथ मरीजों की सही तक पर भी जोर दिया मुशीर बशीर अहमद खान ने मुतलक अफराद को हिदायत दी कि वो हर किस्म की सहूलियात को यकीनी बनाए जिसमें पी पी ई किट्स समेत तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स और दीगर अमले की हिफाजत के लिए फराम की जाने वाली साजो सामान या दीगर जरूरी अशा शामिल हैं उनने अमले की बायदगी सेहत की जाँच पड़ताल पर भी जोर दिया ताकि मरीजों का इलाज करते वक्त इन ब्लॉक्स में इन वार्डस में पहुंचते वक्त जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं या डॉक्टर्स हैं वो खुद को भी महफूज रख सकें मुल्क भर में दो माह बाद घरेलू फजाई खदमात की बहाली के साथ ही श्रीनगर और जम्मू के हवाई अड्डों पर भी आज सुबह से ही मुलाजमीन और मुसाफिरों की गहमा गहमी नजर आई वाज रही कि जम्मू कश्मीर के हवाई अड्डों पर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेशे नजर पच्चीस मार्च को हवाई सफर खिदमात का सिलसिला मतल किया गया था जहां आज दोबारा परवाज़ों की आमद और रवानगी का सिलसिला दो माह बाद शुरू हुआ जिससे दरमांदा लोगों को राहत मिली वहीं बाहर से आने वाले मुसाफिरों श्रीनगर और जम्मू के मखसूस क्वरन मरकज़ पर कोरोना टेस्ट के नमूने हासिल किए गए और उन्हें इंतजामी क्वरंटीना में रखा गया इंतज़ाम के मुताबिक मुसाफिरों को क्वरन मराकज़ से टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद अपने अपने घरों को जाने की इजाज़त मिली ताहम जिनकी रिपोर्ट मस्बत आएगी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल जाएगा इधर जम्मू और श्रीनगर दोनों हवाई अड्डों पर मुसाफरों की दीगर सहूलियात के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाजों की आमद और मुसाफरों की रवानगी से कबल श्रीनगर म्यूंसिपल कॉरपोरेशन ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है एयरपोर्ट पर कॉरपोरेशन की जानब से ड्राइव शुरू की गई और हवाई अड्डे पर एमसी श्रीनगर के मुलाजमन इस वबाई सूरत हाल में भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे वहीं एयरपोर्ट पर आज श्रीनगर मुंसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद आजम मत्तो और श्रीनगर मुंसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफ़र अली ने भी कामकाज का जायजा लिया श्रीनगर के साथ साथ जम्मू एयरपोर्ट पर भी परवाजों की आमद के साथ ही इंतजामिया ने तैयारियों को हतमी शक्ल दिया और जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर की तरह ही जम्मू के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने आज एयरपोर्ट का दौरा किया जहां उन्होंने वायरस से मुतलिक स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के अमल के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया दिगर अफसरान के हमरा एयरपोर्ट दौरे के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने सभी अफसरान को हिदायत दी कि बैरूनी रियासत से वापस आने वाले मुसाफरों के लिए हर तरह की सहूलियात बहम रखी जाए ताकि कोरंतना की मुद्दत के दौरान उन्हें मुश्किल से ना गुजरना पड़े उनके मुताबिक वापस लौटने वाले मुसाफिरों के लिए तमाम जरूरी इकदाम पहले ही उठाए गए हैं दीगर अजा की तरह ज़िला पुलवामा में भी तलबा व दीगर लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है और बैरून मुल्क से पुलवामा पहुंचने वाले तैंतीस तलाब व दीगर लोगों को आज ज़िला पुलवामा के कोरतना मर्कज से घरों के लिए रवाना कर दिया गया इन सभी लोगों को कई रोज़ तक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया जहां गुजशत रोज़ इनकी रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद आज सभी की घर रवानगी हुई रवानगी से इन लोगों ने ज़िला इंतजामिया पुलवामा की जानब से क्वारंटाइन सेंटर्स में किए गए इंतजाम के लिए इजहार तशक् किया इधर ज़िला बारामूला में डीपीएस में बनाए गए क्वारंतिया मरकज़ में रह रहे लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगर जो इंतजाम की जानब से इंटें सेंटर्स में बेहतर सहूलियात बहम रखने के दावे किए जा रहे हैं तमाम जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स नजर आ रही है कोर्नतना मरकज़ में रखे गए लोगों के मुताबिक सेंटर्स में जहाँ खाने पीने में उन्हें मुश्किल पेश आई वहीं दूसरी जानब समाजी फासले का यहाँ नामों निशान नजर नहीं आता ज़िला किश्तवाड़ में बैरूनी रियासत से वापस लौटने वाले तलबा ने क्रंनतना मर्कज़ में इंतजामी की दम तोजह पर बरहमी का इजहार किया मुख्तलिफ़ रियासतों से लौटने वाले तलबा जिन्हें इंतजामिया ने मुस्बत केस के रते में आने के बाद ही उन्हें आज घरों के लिए रवाना कर दिया है तहम मकामी लोगों ने इन सभी तलबा को क्वारंटाइन में रखा है इन तलबा के मुताबिक अगरचे किश्तवाड़ में कोर्नटाइन में रखने के बाद उनकी सैम्पलिंग हुई तहम बाद इस सेंटर से कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक के बाद उनकी दोबारा सैंपलिंग होनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं हुई और घरों के लिए रवाना कर दिया गया मुस्बत केस के साथ रबते में आने वाले तलबा ने इंतजामिया ने दोबारा उनके नमूने लेने की मांग की है ताकि इनके आबाई इलाकों के अंदर इस महलिक वबा का कोई शिकार न हो और इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाए मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते ख़तरत के पेश नज़र ईद उल ईदल्फ़ित्र आज इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई ईद के मौके पर बेशतर मसाजिद के मंबर महराब खामोश रहे तहम दिल्ली मुंबई हैदराबाद कोलकाता और उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के तमाम छोटे और बड़े शहरों में मसाजिद ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के छोटे इजमात जरूर मुनद हुए जिस दौरान कम तादाद में नमाजियों ने ईद की नमाज़ अदा की और समाजी फासले को भी बरकरार रखा गया अजतमात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली कोरोना वबा की खात्मे के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई इधर ईद उफित्र के मौके पर शहर की बड़ी मसाजिद ईदगाहों और इमाम बारगाहों के बाहर और शहर के अंदरूनी हिस्सों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे ताकि किसी भी तरह की भीड़ को कम किया जाए और हर सो सन्नाटा पसरा था मुल्क की सभी रियासतों और मरकज़ के जेर इंजाम इलाकों में ज़्यादा लोगों ने घरों में ही नमाज ईद अदा करने को तरजीह दी और कोरोना वायरस के खतरा और हुकूमती एडवाइजरी के पेश नज़र बड़े इजमात मनकद नहीं हो सके इधर वजी अजम नरेंद्र मोदी ने आज फित्र के मौके पर तमाम हम वतनों को ईद की मुबारकबाद देते हुए लोगों के लिए सेहत और तंदरुस्ती व खुशहाली की दुआ मांगी पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि फित्र की मुबारकबाद ये खास मौका माशरे में हमदर्दी भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे को और आगे बढ़ाएगा और तमाम लोग और खुशहाली रहे खुशहाल रहें इसके लिए उन्होंने दुआ की इधर इससे पहले सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने भी ईद के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी और नक ख्वाहिशात का इज़हार किया सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने कहा कि उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी और उर्दू में भी आज ट्वीट करते हुए कहा कि ये त्यौहार मोहब्बत अमन भाईचारा और हम आहंगी के इजहार का एक त्यौहार है इस मौके पर हम माशरे के सबसे कमज़ोर हिस्सों के साथ मिलकर रहने और उनकी देखभाल करके अपने ईमान को मजीद मस्तकम करते हैं इधर सरहद ज़िला राजौरी की तहसील थरना मंडी पहुंचने वाले लोगों को जिन्हें इंतजामे की जानब से क्वारंटाइन किया गया है यहां लोगों की सैंपलिंग शुरू की गई है लेकिन दो मस्बत मामलों की तस्दीक के बाद यहां पर क्वारंटाइन सेंटर को खाली किया गया है और इंतजामे के मुताबिक ज़िले में बाहर से आने वाले लोगों की टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं तहसीलदार थरना मंडी ने बात की हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक से किताब पीर पंचाल से कोविड 19 के बढ़ते केसों लगातार देखने को मिल रहे हैं जहाँ कल राजौरी से भी पॉजिटिव केस आए और आज सुबह फिर पूछ से भी दो पॉजिटिव केस की दोबारा तस्दीक हुई है सबसे पहली बड़ी बात यह है कि थना मंडी से जो दो पॉजिटिव केस आए उसके बाद इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन सेंटर को सील कर दिया गया और उस वक्त जो यहाँ लोग मौजूद थे इन सबके टेस्ट करवाए जा रहे हैं उसके लिए सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं थाना मंडी तहसीलदार इनसे बात करेंगे कि क्यों लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं जो यहाँ सब पहले मौजूद थे सर सर कल आपके यहाँ से दो पॉजिटिव सामने जी। आए हैं आज सारा क्वारंटाइन सेंटर से सील कर दिया गया उसके बाद टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ जी जी आ, कल जैसे आपको पता है दो केसेस आए हायर सेकेंडरी बॉयज़ में और उसके बाद जैसे कि डिस्प की डायरेक्शन थी उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने जितने क्वारंटीन सेंटर्स में थे हमारे इनमेट्स तकरीबन तो 56 के करीब उन सबको हमने उठाया है यहाँ से हम भेज रहे हैं रजौरी सबको सैंपलिंग पूरा सेंटर को इवन हमने कुक और यहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल लगे हुए थे डिप्यूटेड थे उनको भी हम लेके ले जा रहे हैं सैम्पलिंग के लिए इवन हमें कुछ इन्फॉमेसन मिली थी कि एक दो लोग आए थे इनको कुछ खाना देने के लिए बीच में हालाँकि वो अंदर नहीं गए गेट पर ही दे गए थे लेकिन उनको भी हमने उठा लिया है कि उनकी भी सैंपलिंग दोबारा से हो ताकि हम मतमिन हो सके सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि खाना देने के लिए लोग इनको पहुंचे हैं क्या ये चीज़ गलत नहीं है कि लोग बाहर से आके इनको खाना दें क्योंकि अगर ये वबा एक कंट्रोल की गई है इस वक्त तो जम्मू राजौरी और पूछ में एक महदूद एरिया तक है अगर क्वारंटाइन सेंटर से ही पॉजिटिव केस आ रहे बाहर से लोगों का इनके मिलने के साथ कितना डेंजरस है हाँ नहीं ये तो बहुत डेंजरस है आपने सही कहा बट हमारा एक है हम गेट से अंदर किसी को नहीं जाने देते हैं दूसरा अब तो हमने बंद कर दिया पहले भी हमारी अब ये हमें इन्फॉर्मेशन ही मिली है क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कुछ एक दो लोग आए हैं उन्होंने भी डिस्पोजेबल जो मटेरियल लाया था उन्होंने खाना पकड़ाया और चले गए अंदर कोई नहीं आया डायरेक्ट कांटेक्ट किसी का भी नहीं है जहाँ तक हमारी हमारा इन्वेस्टिगेशन है फिर भी हम प्रिकॉशन ले के हमें जो लगा जो दूर से भी दे के गया है चलो एक दो बार उसको भी हमने ले लिया और वो लोग कॉपरेट कर रहे हैं और वो इस टाइम रजौरी पहुंच ही गए हुए हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे इस तरह के। सर जिस तरह कहा जा रहा है इस क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने सोशल डिस्टेंस नहीं किया दूर दूर एक दूसरे से नहीं रहे बहुत क्लोज रहे लोग क्योंकि इससे पहले भी इसी सेंटर से एक केस पॉजिटिव आया है आज का इस पॉजिटिव आने के बाद इन लोगों को किस तरह की हदायतें दोबारा दी दीजिए नहीं हमने तो तो हम जब भी आते हैं इंश्योर करते हैं भाई दूर बैठो दूर दूर लेकिन ये है कि अब 24 घंटे हम साथ नहीं हो सकते हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं गाइड कर सकते हैं हमारे जो ऑफिशियल हैं हेल्थ के हैं पुलिस के हैं वो बेचारे 24 घंटे इनको बताते रहते हैं दूर रहो फिर भी इनको थोड़ी कहीं ना कहीं कोताही रही है लेकिन अब हम पूरा ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब इसमें इशू ये है कि जो भी पॉजिटिव आया है तीनों पॉजिटिव वो हमारे बाहर के थे कॉन्टैक्ट्स तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अलहमदिल्ला पिछली बार भी उसके रूममेट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हुए इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि सबको इंश्योर करें कि गाइडलाइंस फॉलो करें थैंक यू जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोताइयाँ हुई हैं जो लोग बाहर से इन तक पहुंचे हैं हालांकि इसके बाद इन्होंने ये ज़रूर वाजे किया है कि अब के बार यहाँ इस क्वारंटाइन सेंटर को जिस तरह सील किया गया किसी भी बाहर को आदमी के आने की इजाजत नहीं दी जाएगी बल्कि इनका यह भी कहना था कि इस वक्त तो पूरे क्वारंटाइन सेंटर को सील करने के बाद यहाँ साफ सफ़ाई का काम भी किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग इस क्वारंटाइन सेंटर में थे इन सब के टेस्ट किए जाने के साथ जो यहाँ अमला ड्यूटी पर था उनके भी टेस्ट किए जाना और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बाहर से इनके रिलेटिव या

जिला प्रक्याति कमिश्नर पुंछ के मुताबिक पुंछ से कटरा और उसके बाद तीन मुख्तलिफ ट्रेनों के जरिए इन लोगों को अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा सरहदी जिला पुंछ से कोरोना वायरस के आज मजीद दो मु मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई जिनमें एक बीएसएफ एहलकार भी शामिल है और जिला प्रक्याति कमिश्नर पुंछ के मुताबिक बीएसएफ अहलकार चंद्रो कबल ही छुट्टी से वापस लौटा था ड्यूटी पर पहुंचा जहां कोरोना टेस्ट उसका पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद उसे सेंटर भेज दिया गया है गुजशत 24 घंटों में खिता पीर पंजाल से कुल पांच मामलों की तस्दीक हुई है यहां पर यह भी आपको बताते चले कि पूंछ से अब तक मजमुई तौर पर आठ मुस्बत मामलों की तस्दीक हो चुकी है जबकि राजौरी जिले से अब तक नौ केस सामने आए हैं ईद के दूसरे रोज भी वादी के मुख्तलिफ़ इलाकों में वीरानी छाई रही शुमाली कश्मीर के पटन में जहां सड़कों पर पुलिस ने खसूसी नाके लगाकर गाड़ियों की आमदोरफ्त को कम करने के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों की आवाजाही को कम किया वहीं पटन में पांडव पार्क के नाम से मशहूर पार्क जहां ईद के मौके पर बच्चों की भीड़ लगी रहती थी मौजूदा लॉकडाउन की वजह से पार्क वीरानी का मंजर पेश कर रही है इधर आलमी वबा के पेश नज़र जारी लॉकडाउन ने शुमारी कश्मीर के बारामूला में कायम मशहूर गुलनार पार्क को भी वीरान कर दिया है गुलनार पार्क में ईद के मौके पर जहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी तहम रवा बरस लॉकडाउन के दौरान पार्क में सन्नाटा पसरा है जिसे इंतजामिया ने फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया है मकामी लोगों ने इंतजामिया से आज अपील की कि पार्क को खोलकर लोगों को राहत दी जाए जहाँ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए लोग अपने बच्चों के साथ सैर वफरी कर सकें जम्मी कश्मीर के जिला कुलगाम दमहाल हांजीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह हुई झड़प में दो मिलिटेंट हलाक हुए इस बीच पुलिस के मुताबिक मजकुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मिलने के बाद फौज सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक मुश्तर टीम ने अलसुबह खोर हांजीपुरा को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया जिस दौरान तो गोलियों का तबादला शुरू हुआ फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में दो मिलिटेंट हलाक हुए जिनकी शनाख्त आदिल वानी और शाहिद के बतौर हुई है जो दोनों मकामी बताए जा रहे हैं इधर एनकाउंटर शुरू होते ही हुकाम ने जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम और शोपिया में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मअतल कर दी हैं इधर एनकाउंटर के मकाम पर फोर्सेज और मुजाहरीन में झड़पें होने की भी खबरें सामने आई जहां संगबाजी कर रहे नौजवानों के खिलाफ फोर्सेज ने ताकत का इस्तेमाल किया जिस पर नौजवानों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में आज मकामी लोगों ने एहतजाज किया जिस दौरान इन लोगों ने नारेबाजी कर नाराजगी का इजहार किया मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में कानूनी तौर पर बाजरी और रेत निकालने का सिलसिला नहीं थम रहा है जिसकी वजह से मकामी आबादी को खतरा लाहक है एहतजा के मुताबिक अगरचि इस हवाले से उनने कई मरतबा इंतजामियों को शिकायत की ताह मामले की ती संजीदगी जाहिर नहीं की गई लोगों ने इंतजामिया से इलाके में काम को रोकने की अपील की ताकि दर्जनों गांव के लोगों को राहत मिले तो प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों तजियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए